जोया जाके ऊपर जल्दी से चेंज कर आ जाओ, मेहमान आए हुए। कौन है अम्मी ये लोग? ये तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। बहुत अच्छी फैमिली है, तुम्हें पता है लड़का डॉक्टर है और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। जाओ तैयार होकर आ जाओ जल्दी से, जाओ जाओ ना जल्दी करो। अम्मी आप उन लोगों को वापस भेज दें, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती हूँ। और इन्हें बुलाया किसने? देखिए ताई अम्मी, जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं इनसे कह दूंगी, आप प्लीज इस मामले से दूर ही रहें। देखो भाई कितनी अच्छी फैमिली है, इसे अब और क्या इतराज है। इसे कहो खुदा के लिए कि तैयार होके आ जाए, मजीद तमाशा मत करे। जाओ तैयार होकर आओ, तुम जाओ चेंज कर आओ और फौरन आके आना। अभी प्लीज कम से कम आप एक बार मुझसे पूछ तो लेती, इस तरह आपको शर्मिंदा तो ना होना पड़ता सबके सामने। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। देख लिया तुमने, तुम्हारी बेटी जो है वो हाथों से निकल गई है। अरे किसी की बात ही नहीं सुन रही है, कितनी बेइज्जती होगी उनके सामने। और सुनो इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता आया है, अब खुदा के लिए तमाशे मत करो, जाओ जाके तैयार हो जाओ। अरे भलाई का दौर ही नहीं रहा। बस कर दे ताई अम्मी, नहीं चाहिए मुझे आपकी नेकी। पहले ही आपकी एक नेकी मेरा दिल मेरी सोच खा चुकी है, मजीद नेकी करने की जरूरत नहीं है और मैं इन नेकियों का बोझ उठाने के काबिल भी नहीं हूँ। आप प्लीज फिक्र ना करें मेरी शादी की, और ना ही इस बात की फिक्र करें कि मैं आपके बेटे का इंतजार कर रही हूँ, सब बिल्कुल भी नहीं है। भेज दे सबको। वो दरअसल क्या है ना कि बच्ची अभी जब बच्चों के रिश्ते की बात करनी हो ना तो पहले उनसे राय लेनी चाहिए, इसमें इज्जत भी रह जाती है और वक्त भी बच जाता है। चलो बेटा वो इस लड़की ने ना हमें वो दिखाने के काम पे नहीं छोड़ा, पूछते हुए इससे